नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन से डरी बीजेपी की, केजरीवाल को कोर्ट से मिली बड़ी राहत की, देखेंगे मोदी सरकार पर राहुल गांधी के करारे तंज को, सुप्रीम कोर्ट में फंसे रामदेव को, जानेंगे चुनावी बॉन्ड में अब नए खुलासे को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर 26 अप्रैल की जगह अब 7 मई को होगा मतदान। बसपा उम्मीदवार की जान चली जाने के बाद चुनाव के शेड्यूल में किया गया बदलाव। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, 9 उम्मीदवारों की घोषणा। चंडीगढ़ से कटा किरण खेर का टिकट, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव से पहले 26 अप्रैल को होगा दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, नोटिफिकेशन जारी। शेयर बाजार में तेजी, 354 अंकों की बढ़त के साथ 75,038 पर पहुंचा सेंसेक्स, 111 अंकों की बढ़त के साथ 22,753 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर गठबंधन बनाया और उसका नाम इंडिया रखा। इंडिया नाम से सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही थी। पहले तो बीजेपी ने इसे घमंडिया गठबंधन कहा, लेकिन जब वो उल्टा घिरी तो इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बोलने लगी। इसे लेकर दिल्ली कोर्ट में भी जनहित याचिका लगा दी गई, जिसे लेकर कांग्रेस की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। तो क्या है कांग्रेस के हलफनामे में, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन का शोर सुनाई दे रहा है। विपक्षी पार्टियों ने पिछले साल जुलाई में अपने गठबंधन का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा था। इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कारोबारी गिरीश भारद्वाज ने याचिका दायर कर गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने का विरोध किया था। भारद्वाज की याचिका के जवाब में कांग्रेस ने कोर्ट में बताया कि विश्व हिंदू परिषद दक्षिणपंथी संगठन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध है। इसकी राजनीतिक शाखा बीजेपी है, इसलिए याचिका न केवल राजनीति से प्रेरित है बल्कि भारद्वाज की राजनीतिक चालों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जनहित याचिका की आड़ में दायर की गई है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भारद्वाज इंडिया गठबंधन के कारण कथित तौर पर हुए नुकसान का कोई भी सबूत देने में विफल रहे हैं, न ही वह कानून में कोई प्रावधान दिखा पाए हैं जो विपक्षी दलों को इंडिया नाम अपनाने से रोकता है। इससे पहले कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा था कि राजनीतिक गठबंधन जनप्रतिनिधि कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं होते, सिर्फ राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। चुनाव आयोग किसी गठबंधन को मान्यता नहीं देता है, यानी चुनाव आयोग ने भी विपक्षी गठबंधन को लेकर किसी तरह का एक्शन लेने से इनकार कर दिया था। इंडिया से परेशानी किसे हो रही है, कांग्रेस के कोर्ट में दिए जवाब से साफ हो गया। याचिका भले ही भारद्वाज की हो, लेकिन साफ है कि बीजेपी के इशारे पर लगाई गई है। वैसे एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई थी केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए। तो क्या फैसला दिया हाईकोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की एक और याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और इस बार भी हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सिर्फ खारिज ही नहीं किया बल्कि इस बार याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। दरअसल दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की तरफ से इस बार याचिका लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायिक व्यवस्था का मखौल न उड़ाएं। समान प्रार्थनाओं वाली यह तीसरी याचिका है, हम याचिकाकर्ता पर 50,000 का जुर्माना लगाएंगे। अब सिस्टम का मजाक उड़ाना बंद करें। लगता है कि ऐसी याचिकाओं पर अंकुश लगाना ही एकमात्र तरीका है। बता दें कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद केजरीवाल की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है, लेकिन बीजेपी मुश्किल से नहीं निकल पा रही। कांग्रेस का जब से घोषणा पत्र आया है तभी से बीजेपी के अंदर डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस घोषणा पत्र में किए वादे का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में पार्टी ध्रुवीकरण पर जोर दे रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रही है। इसे लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी को घेर लिया। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बयानबाजी बेहद तीखी होती जा रही है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर जब बीजेपी ने सवाल किए तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा था। राहुल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को घेर लिया। उन्होंने कहा, ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है,
एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा, कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था, जब भारत की जेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थी तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला रहा था। राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। दरअसल पीएम मोदी ने राजस्थान के अजमेर में हुई रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा कहा था। पीएम के भाषण को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया था कि बीजेपी इस बार के चुनाव में 180 सीटों के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी और इसी के चलते वो फिर से घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट का सहारा ले रही है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि बीजेपी के मंसूबे सफल नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में रामदेव के मंसूबे भी सफल नहीं हो पाए। उन्होंने माफीनामा भी दाखिल किया लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी, सजा मिलेगी। तो कोर्ट ने क्यों खारिज किया रामदेव का माफीनामा, देखिए ये रिपोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस समानतुल्ला की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि जब रामदेव और बालकृष्ण को पता चल गया कि वो गलत है इसके बाद उन्होंने दस्तावेज पर माफीनामा दिया। हम इस माफीनामे को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम मानते हैं कि जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। अब आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और वंशजा शुक्ला ने एफिडेविट पढ़ा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है, कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ, बार बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे। इसके बाद जो आए उन्होंने भी यही किया, तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। बता दें कि इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा जमा किया गया था। बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। इसके बाद कोर्ट ने आज सुनवाई की तारीख तय की थी। इसके बाद 9 अप्रैल को रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद की मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल किया जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। रामदेव मुश्किल में फंस गए हैं तो मुश्किल में बीजेपी भी फंसी हुई है क्योंकि चुनाव बॉन्ड को लेकर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब चंदे के इस खेल में सामने आया है कि ऐसी कंपनियों ने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे जो इसे खरीदने के योग्य नहीं थे। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड को लेकर एक और खुलासा हुआ है। दरअसल इसको लेकर नियम साफ है, सिर्फ वही कंपनियां चुनावी बॉन्ड खरीद सकती हैं जो कम से कम 3 साल पुरानी हो। ऐसा इसीलिए जिससे चुनावी चंदे के लिए शेल कंपनियों के सहारे मनी लॉन्ड्रिंग का खेल ना शुरू हो जाए। लेकिन अब चुनावी चंदे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 20 ऐसी कंपनियां सामने आई हैं जिन्हें बने 3 साल से कम का समय हुआ था और उन्होंने 103 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा। इसमें से 5 कंपनियां 1 साल से भी कम समय में अस्तित्व में आई थी, वही इनमें से 7 1 साल पुरानी थी और 8 ने केवल 2 साल पूरे किए थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड घोटाले में भ्रष्टाचार के 4 प्राथमिक चैनल हैं और पेपीएम घोटाले में हर दिन एक नया आयाम सामने आ रहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली फर्जी कंपनियों पर एक अपडेट, चंदा दो धंधा लो, ठेका लो रिश्वत दो, हफ्ता वसूली फर्जी कंपनी। उन्होंने कहा कि ये कोई संयोग नहीं है, मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना ने जानबूझकर कॉरपोरेट राजनीतिक चंदे को गंदा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की देखरेख में इस आखिरी सुरक्षा का भी नियमित उल्लंघन किया गया। रमेश ने बताया कि 2017 में ही चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी कि चुनावी बॉन्ड से शेल कंपनियों के माध्यम से काले धन का उपयोग हो सकता है। RBI ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बियरर बॉन्ड का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों की संभावनाओं को भी चिन्हित किया था लेकिन मोदी सरकार ने चंदे के लिए इन चेतावनियों को खारिज कर दिया। चुनावी बॉन्ड पर बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है तो बीजेपी के नेता अपने बयानों के चलते फंसते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुए सांप्रदायिक टकराव के मामले में बंबई हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, बीजेपी नेताओं के भाषण की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो क्यों सख्त हुआ हाईकोर्ट, देखिए ये रिपोर्ट।
बीजेपी नेताओं पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना शिकंजा कस लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए मामला मुंबई में मीरा रोड पर हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुंबई के मीरा रोड पर हिंसा भड़क गई थी। मामले में जाँच के बाद पुलिस ने दावा किया कि अधिकांश हमलावर कथित तौर पर एक नेता की रैली में शामिल हुए थे। इसके बाद स्थानीय नागरिकों ने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने कथित तौर पर कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 188 के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी, जिस पर कोर्ट ने पुलिस विभाग को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी एफआईआर से पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा ही कम होती है, क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि कोई भी रैली कर सकता है और कुछ भी कह सकता है। मीरा रोड हिंसा के 2 पीड़ितों सहित मुंबई के 5 निवासियों ने एक याचिका के साथ हाईकोर्ट में पुलिस ने 3 नेताओं के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर याचिका दाखिल की, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने बीजेपी विधायक नितेश राणे पर गोवंडी मालवाड़ी के दौरे पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया कि राणे ने मीरा भाईंदर में पुलिस आयुक्त के कार्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार पाया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुंबई से सटे मीरा रोड विधायकों की तरफ दिए भाषणों की जांच के आदेश दिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 पुलिस आयुक्तों को जनवरी 2024 की मीरा रोड हिंसा के संबंध में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायकों नितेश राणे, गीता जैन और तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह द्वारा दिए गए भाषणों के वीडियो की व्यक्तिगत रूप से जांच कराने के आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आगामी 17 अप्रैल को रामनवमी त्योहार के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी, लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। जनता में बीजेपी नेताओं के खिलाफ ये नाराजगी कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। कोर्ट का फैसला लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने का बंदोबस्त कर दिया है। लोकसभा चुनावों के लिए यूपी की बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो क्या है सपा के इस घोषणा पत्र में, देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पेज से सुझाव मांगे गए थे। इन्हीं सुझाव के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसका नाम हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट्स को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए आटा और डेटा के अधिकार की बात की और शिक्षा का भी जिक्र किया। बता दें कि सपा के घोषणा पत्र में मनरेगा में 150 दिन का काम और मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने का वादा किया है। मनरेगा की ही तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया जाएगा। सभी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पद तत्काल भरे जाएंगे, जिसके लिए सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा। लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक की फ्री शिक्षा दी जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह तक की मासिक पेंशन दी जाएगी। 2025 तक जातीय जनगणना कराई जाएगी। मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा और ये आटा पौष्टिकता और गुणवत्ता के मामले में देश की सबसे अच्छी कंपनियों के मुकाबले का होगा। राशन कार्ड धारक हर परिवार को 500 रुपए का मोबाइल डेटा मुफ्त दिया जाएगा। मुफ्त डेटा से डिजिटल संपन्न बनाम डिजिटल विपन्न में डिजिटल डिवाइस का अंतर नहीं रह जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। केजरीवाल मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने आज मंत्री पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, अगर मंत्री जी के इस फॉर्मूले को केजरीवाल और उनके वो दो मंत्री भी अप्लाई करते तो आज वो जेल में नहीं बल्कि अपने अपने घरों पर आराम से सो रहे होते। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।